नंदन में बहुत रुके हुए, बहुत लोग हैं। नंदन चांद मारी अपना पूरा रुके हुए वहां पे। ओ मिलिंद भाई इसको हटाओ ना, इवेंट छोड़ बड़ा चलो। ओके अमन हां उधर दरगाह का पड़ेगा, अब इधर चल देंगे अपन ऐसे लेके, बहुत लंबा जाना पड़ेगा। अलंकार में जैकेट दिए तो फिर और काम मत कर, यहाँ पे आ जाओ बोले। हमारे वंचित आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार आमदार इम्तियाज जलील साहब अपने एरिया में आए हैं और अपने को उनको ये बताना है कि 23 तारीख को हमारा एक भी वोट, दलित रहो मुस्लिम रहो या यहाँ का ओबीसी बहुजन समाज का आदमी रहो, हमारा एक भी वोट हिलने वाला नहीं है। पूरा वोट उनके साथ में अपना 23 तारीख को बिल्कुल उनके उनके इसमें गिरने वाला पलटे में अपने को यकीन दिलाना है। अभी इम्तियाज जलील साहब आपके सामने दो लफ्ज का आपको आह्वान करने वाले, शांत सुनिए। अपना देश जो है शैतानों के शैतान उस पर कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जैसे शाह जैसे, उनको रोकने का काम अपने अवेशी साहब और प्रकाश अम्बेडकर ने ये रोकने का काम शुरू किया है और उसमें इम्तियाज जलील साहब का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आने वाले दिनों में। अपने शहर के और जिले के खासदार बोल के उन्हें अपने दिल्ली भेजना है। मैं यहाँ इम्तियाज जलील साहब को आप सबकी तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि हम घर घर में जाके हर बूढ़ा रहो या कोई बीमार रहो उसका भी वोट मिस नहीं होने देंगे। हर एक वोट आपके पलटे में गिरा के आपको दिल्ली हम 101 टक्का भेजने वाले, इतना आपको हम नंदन कॉलोनी वार्ड की तरफ से, परिसर की तरफ से यकीन दिलाते हैं। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ थोड़ी माजरत चाहता हूँ कि आज आखिरी दिन है, 5 बजे तक ही प्रचार करने का है और 5 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन का कैमरा मेरे पीछे दौड़ने वाला है कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसा अभी मिलिंद भाई ने बताया कि ये एक इलेक्शन ऐसा है कि जहाँ पर शैतानों को ख़त्म करने का है, मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो ताकत है कि अच्छे अच्छे शैतानों को हम ख़त्म कर सकते हैं। उसी वक्त बढ़ गई जब मिलिंद भाई, गौतम भाई ये सब साथ में आए, क्योंकि आज ये इलेक्शन जो है ये किसी मजहब या जात के नाम के ऊपर नहीं लड़ा जा रहा है। ये इलेक्शन हम सिर्फ औरंगाबाद के विकास के बारे में है, तो हम ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि हमारे भी इलाके, हमारी भी बस्तियां, हमारे भी गली मोहल्ले की तरक्की हो सके, इस मुद्दे के ऊपर हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है, पहले भी इस इलाके के लोगों ने भरपूर ताउन दिया था, हमें पूरा साथ दिया था, उसी की वजह से आज ये मुमकिन हुआ था। मुझे पूरा यकीन है कि 23 तारीख के दिन जिस तरह से मिलिंद भाई ने बताया है कि यहाँ का एक भी वोट कहीं और नहीं जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह, पूरे वार्ड में हमारा बटन अंदर रहेंगे इंशाल्लाह का। बहुत शुक्रिया पूरे जानमारी का। चलिए बड़े भैया बैठ रहे भाई।
मोबाइल बिछाना पड़ेगा भाई, मैं तेरे को फोटो देता हूं। चलो ना बेटे चलो, शंकर बाबा आज शंकर बाबा क्या होना यार, उधर क्या होना।